अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो कुवैत के शेख थे जिनका इंतकाल हो गया था कल, उनका आज जनाजा कब्रिस्तान के तरफ लेकर के जाया जा रहा है पूरे फोर्स के साथ। आप देख सकते हैं उनके रिश्तेदार, उनके अहबाब, उनके दोस्त जो थे उनकी गाड़ियों के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको कब्रिस्तान के तरफ ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं आप उनके दोस्त, उनके अहबाब जो है उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं और पूरे कुवैत में आज बंदी है। देख सकते हैं कितने लोग हैं जनाजे में और जो है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके जनाजे को लेकर के जाया जा रहा है कब्रिस्तान के तरफ। आप देख सकते हैं पूरे उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो थे वो जनाजा में शामिल हो चुके हैं और उनकी नमाज जनाजा अब पढ़ाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जनाजे को निकाला जा रहा है जो है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ। आप देख सकते हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके पूरा अहले ख़ानदान सब लोग आ चुके हैं और सब लोग जो है कि जा रहे हैं नमाज लेकर के जा रहे हैं जनाजे को। आप देख सकते हैं बाकायदा पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो यहाँ का सम्मान होता है, जो यहाँ का, उसके साथ लेकर के जाया जा रहा है उनके जनाजे को कब्रिस्तान के तरफ। अब नमाज जना देखिए ये रो रहे हैं, कितने नेक दिन इंसान थे वो। देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको ले जाया जा रहा है जो कि यहाँ का नियम है, कानून है, उसके हिसाब से। और पूरे लोग आ चुके हैं, अब जनाजे को निकाल करके रख दिया गया है और नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। पढ़ाने के बाद कब्रिस्तान में उनको दफन किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से तो दोस्तों अब देखिए मिट्टी का वक्त हो गया, अब लोग मिट्टी दे रहे हैं। नमाज जनाजा हो चुकी है, सब लोग मिट्टी दे रहे हैं। मिट्टी देने के बाद सब लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला से कि इनकी मगफिरत करे अल्लाह तबारक व ताला, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला व अफजल मकाम अता करे। देख सकते हैं इनके पूरे अहले ख़ानदान, पूरे अहले रिश्तेदार, पूरे अहले अबार, पूरे दोस्त, पूरे कुवैत के लिए वहाँ सिर्फ इनके रिश्तेदारों के जाने की अनुमति थी। तो दोस्तों आप भी दुआ करिएगा इनके लिए।